मैं बात करता हूँ, ये बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टर्म्स है जो न्यूज़पेपर में यूज होती है और बुक्स में यूज होती है। मतलब उनको आप एक तरह से टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ले लो, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टर्म्स या अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टर्म्स, अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई जो भी टेक्निकल टर्म्स है ना। सबसे पहले हमने देखा क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये मैंने बात किया था जब आपको यूएस के बारे में बात किया था, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं, आपका यूजुअल स्टेटस जो था। तो अगर आप पूरे साल भर में अधिकांशतः अगर आप बेरोजगार हो, अगर आप या मैं आप क्यों कर रहा हूँ हमेशा, आप या मैं कोई भी जो बेरोजगार है अधिकांशतः वो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, हाँ ठीक है, सुन लिया। और नंबर दो, आपने डिस्गाइज्ड सुना है क्या? डिस्गाइज्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट को मैं क्या लिखूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट लिखूंगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके लिए एक टर्म जान लो पहले, मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल बेनिफिट, ऐसे मान लो आप। मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल क्या होता है, मान लो कि पांच आदमी कुछ काम कर रहे हैं, पांच आदमी कुछ काम कर रहे हैं और उनका काम है, मान लो उनकी काम की क्वांटिटी हमने मान ली कि वो खड्डा खोद रहे हैं और वो पांच आदमी 5 फिट गहरा इंटू 4 फिट चौड़ा इंटू, मतलब उसका ये उसका मेजरमेंट है, ये लो इतना गड्ढा खोदने के लिए 5 आदमी चाहिए, 5 persons, आदमी persons, आदमी औरत दोनों, ठीक है 5 persons चाहिए। अब आप ऐसे बोलो, अगर यहां आपने एक आदमी जोड़ दिया, एक आदमी और जोड़ दिया, 1 person added और 6 persons हो गए। अब ये 6 persons भी सेम गड्ढा खोद रहे हैं, मतलब सेम काम कर रहे हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि इस एक आदमी का, इस एक एडिशनल आदमी का मार्जिनल बेनिफिट जीरो है? इस आदमी का मार्जिनल बेनिफिट यहाँ जीरो है, मतलब ये आदमी कुछ नहीं, सिर्फ संख्या में नंबर में ज्यादा गिना रहा है, बाकी इसका कोई काम नहीं है यहाँ, यहाँ रहा ना उससे कुछ एडिशनल काम हुआ नहीं, है ना, ये बात समझ में आई? तो इस तरह के आदमियों को, इस तरह के पर्सन को क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, मतलब छुपे हुए अनएम्प्लॉयड। एग्जाम्पल ले लो खेती का, ये खेत में मतलब एग्रीकल्चर में बहुत पाया जाता है। एग्रीकल्चर में आप देखोगे 2 बीघा खेत होगा, 2 बीघा खेत होगा, जमीन होगी, वहां पे पूरा घर, घर के पूरे 10 मेंबर लगे रहेंगे, सबको पूछेंगे क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हैं साहब, जबकि काम कितने का और होगा वहां पे, सिर्फ 2 ही 2 persons वहां पे इस काम को खत्म कर सकते हैं, जो भी खेत का जो काम होता है, ओनली 2 persons कैन हैंडल दैट वर्क। बट क्या है, 10 लोग कह रहे हैं हम काम के लगे हुए, तो क्या आप कह सकते हो कि जो 8 बचे हुए persons है, 8 remaining persons वो क्या है, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। चलो दो टर्म सीख ली। तीसरा होगा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। देखो बिजनेस साइकिल्स होती है इकोनॉमी के अंदर, वो बिजनेस साइकिल्स क्या होती है, मैंने जीडीपी की बात की थी, मान लो जीडीपी कभी कभी 7% पे ग्रो करती है, ये मान लो ग्रोथ का रेड कलर से लेते हैं, तो कभी कभी 9% पहुंच जाती है, फिर पता नहीं कोई झटका लगा तो फिर 5% पे आ जाती है, फिर ऊपर ऊपर लगा, ये एक एक साइक्लिकल जीडीपी है शॉर्ट टर्म में आप देखोगे तो। मेरे कहने का मतलब बिजनेस जो भी होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस जो भी होती है, छोटी छोटी बिजनेस, एग्रीगेट बिजनेस, ये साइक्लिकल चलते हैं, मतलब घटनाबाद चलता रहता है, कभी इनका बिजनेस ज्यादा हो जाता है, कभी बिजनेस कम हो जाता है। मान लो कि .com बस्ट आ गई, मान लो कि जैसे एक पूरा सेक्टर, इकोनॉमी का एक सेक्टर क्रैश कर गया, मान लो आईटी सेक्टर, मतलब भगवान ना करे, मान लो आईटी सेक्टर, मतलब पूरा सेक्टर तो नहीं, मतलब 2-4 कंपनी डाउन चली गई, डाउन चली गई, तो उसमें ना बहुत सारे लोगों को बेंच पे बिठा दिया गया, तो वो हो गया आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब साइक्लिकल मतलब ये एक बिजनेस साइकिल है, जो ये बिजनेस साइकिल है ना, ये डिमांड से चलती है, मतलब मार्केट क्या है, पूरा पूरा मार्केट डिमांड एंड सप्लाई से चलता है, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी,
और सप्लाई करने के लिए लोग चाहिए होंगे, इसलिए डिमांड जो ही कम आती है तो सप्लाई भी आपकी कम करनी पड़ती है। सप्लाई कम करती है तो जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं उनको बेंच पे बिठा देते हैं। बेंच पे बिठाना मतलब उनको बोला भाई आराम करो, आप हमारे लिस्ट में अभी नहीं हो, कोई बाद में कहीं और जगह जॉब ढूंढ लेना। ये हो गया आपका साइक्लिकल। अच्छा, और स्ट्रक्चरल क्या होता है? नंबर चार, स्ट्रक्चरल 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 होता है, देखो एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया पूरी इकोनॉमी के अंदर ही है, जैसे तकनीकी चेंज आ गया पूरा, तकनीकी चेंज आ गया। मान लो आज जो भी काम चल रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जहां कपड़े बन रहे हैं, जूते बन रहे हैं, है ना, नंगीने साफ साफ सफाई चल रही है, यहाँ पूरा काम रोबोट करने लगे। रोबोट रोबोट समझते हैं आप, पूरा मशीन जैसा एक आदमी रहता है ना, एकदम बड़ा सा जापानी रोबोट दिखता है हमारे को, वैसा रोबोट काम करने लगे। तो ये एकदम पूरा तकनीकी चेंज आया कि नहीं आया? इस तकनीकी चेंज आने की वजह से जो अनएम्प्लॉयड हुआ भाई, बाकी लोग तो फ्री हो गए ना, खाली हो जाएंगे, ताश खेलेंगे बैठे बैठे, और नौकरी भी ढूंढेंगे, मतलब ये अनएम्प्लॉयड रहेंगे। इस वजह से जो बेरोजगारी आती है उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट। एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है कि आप मान लो आप इंजीनियर हो, इंजीनियर का डिग्री किया, मतलब इंजीनियरिंग की जॉब है ही नहीं मार्केट के अंदर, और क्या कर रहे हो, पेट्रोल पंप पे तेल भर रहे हो। ये क्या हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन की बेइज्जती हो गई। बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? मतलब अरे बेइज्जती छोड़ो, बेइज्जती नहीं पढ़ते हम इकोनॉमिक्स में, पढ़ते हैं। आपकी जो क्वालिफिकेशन थी, आपकी जो एबिलिटी थी, उसका प्रॉपर यूज नहीं हुआ, जबकि आपको एक दूसरा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, जो हर कोई कर सकता है। मतलब ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म बता देता हूं, एक होता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल, प्राकृतिक अनएम्प्लॉयमेंट। आप बोलोगे सर पेड़ पे उगता है क्या प्राकृतिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये रहता ही है, प्राकृतिक तो रहता ही है, मतलब 2 से 3% अनएम्प्लॉयमेंट तो नेचुरली रहेगा ही, क्योंकि पूरी मार्केट में ना परफेक्ट इंफॉर्मेशन रहती नहीं है, कहाँ जॉब अवेलेबल है, कौन उस जॉब के लिए फिट है, तो ये ढूंढने उड़ने के चक्कर में जो टाइम लगता है, टाइम लगता है। और नौकरी.com पे भी तो पूरा 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 नौकरी और पूरे लोग नहीं रहते, तो इसलिए इसको कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। और एक और होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण। फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये घर्षण होता है, मतलब एक जॉब से, मान लो एक जॉब से आप दूसरी जॉब बदल रहे हैं, मतलब एक जॉब को आपने छोड़ा, फिर आपने जॉब ढूंढनी शुरू की, प्रोसेस में बहुत सारे दोस्त तुम्हारे पास आए, कंसल्ट किया, क्या भाई क्या चल रहा है, फिर बताएंगे यहाँ कर लो यहाँ कर लो, उसमें हमारा कॉन्टेक्ट है, वहां सीवी भिजवा देते हैं तुम्हारा, है ना, फेसबुक पे लोगों को पिंग करोगे, हाय कैन यू डू मी अ फेवर, है ना, इस तरह का स्माइल भेजोगे बहुत सारा साथ में, मतलब आप जॉब ढूंढ रहे हैं इन द प्रोसेस, दूसरी जॉब के जाने के पहले और इस जॉब छोड़ने के पहले का काम है, ये है आपका फ्रिक्शनल घर्षण अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो यही सारी टर्म्स है, और कुछ नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में। और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा, इंडिया का जो डाटा है वो एक बार देख लो, ये 2011 में था 9.4, मैंने कहा था ना ये 9% के लगभग घूमता रहता है, फिर उसके बाद ये गिरा है। गिरा किस तरह से गिरा है, तो सॉरी 2012 के बाद तो 11 के बाद 12 आएगी ना, फिर 13 आएगी, फिर 2014, ये यहाँ पे रहा 6.3, ये रहा 5.2, और ये रहा 4.9। मैं क्या कह रहा हूँ, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा ये है, 2011 में 9.4% था अनएम्प्लॉयमेंट, 6.3 था 2012 में, 2013 में 5.2, और 2014 में 4.9। ठीक है, लोगों ने काम ढूंढना ही बंद कर दिया। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू। फेसबुक पे लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, अच्छे अच्छे वीडियो लगभग जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं डालता रहूंगा, है ना। और तो क्या, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ा करो, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, कितना इंटरेस्टिंग चीज है, मक्खन, ये सब साइंस में आता है। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू।